दोस्तों नमस्कार, बिमलेश्वर ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7, जिसका चैप्टर का नाम है इंटीग्रल, जिसका हिंदी में बोलते हैं समाकलन। अगर इंटीग्रेशन को हम लोग डिफिनेशन देखेंगे तो डिफिनेशन है आपका टू ऑब्टेन फंक्शन फ्रॉम एनी डिफरेंशियल कोफिशियंट इज कॉल्ड ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि इसका बताया गया है कि किसी दिए हुए अवकलन के गुणांक को फलन प्राप्त करने की विधि को क्या बोलते हैं, हम लोग समाकलन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के साइन इस तरह से। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ हो सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू, तो इसका होता है इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस का सी, जिसमें आपका ये जो हुआ ये हुआ इंटीग्रल। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे, और इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। और जो आपका सी हुआ एक, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टेंट। आगे हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टेंट किस लिए ऐड करते हैं। ये जो हुआ आपका, इसमें हम लोग अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे समाकल्य, इसको लिखेंगे समाकलन, और इसको हम लोग लिखेंगे अचर। एक चीज ध्यान रखना है, जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी कि एक तरह से उल्टा होता है। जैसे हम लोग जो हम लोग विलोम शब्द पढ़ते थे, जैसे राजा को विलोम शब्द में बोलते थे रानी, उसी तरह हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन उसका अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सेम इसका अपोजिट होता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिए। करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है आपका इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि समाकलन जो होता है यानी इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रक्रम होता है। इसमें सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है कि वी पुट द फंक्शन बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डी एक्स टू फाइंड द इंटीग्रेशन, यानी कहने का मतलब है जैसे अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इसको इंटीग्रेशन और डी एक्स के बीच में हम लोग रखेंगे। ये जो होगा आपका इंटीग्रेशन होगा, ये डी एक्स होगा। जब इसको इंटीग्रेशन निकालेंगे वहाँ से हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन किस तरह से निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में आपका पढ़ना है इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन दो टाइप में होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो दो टाइप में, यानी पहला जो टाइप होता है वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। सेकेंड जो टाइप होता है आपका डिफिनिटिव इंटीग्रेशन होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको बोलेंगे अनिश्चित समाकलन, इसको बोलेंगे निश्चित समाकलन। इसके में जो कि आपका 7.1 से लेकर 7.7 तक आपका एक्सरसाइज आएगा, इसमें 7.8 से लेकर 7.11 तक आपका एनसीईआरटी में जो बुक में दिया हो एक्सरसाइज इंक्लूड है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूले। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला। जैसे हम लोग देखेंगे साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो साइन एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स प्लस का सी, कोस एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस का सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स का होता है टेन एक्स प्लस का सी। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू माइनस का कोट एक्स प्लस सी। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू होगा सेक एक्स प्लस सी। सी आप लोगों को कॉन्स्टेंट वैल्यू हर समय इसमें ऐड करना रहता है। इसके बाद देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक्स एक्स इंटू कोटेक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस का सी, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू होगा ई के पावर एक्स प्लस का सी। यानी कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स जब भी दिया हुआ रहेगा तो ये जस का तस आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स रहेगा तो माइनस बाहर आ जाता है, पावर में सेम आ जाता है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका फार्मूला, जो कि होगा लॉग एक्स प्लस का सी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का पूछेगा तो एक्स प्लस का सी, यानी कि डी एक्स रहता है यहाँ पे कोई नहीं है तो आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू वन ले सकते हैं, तो एक्स प्लस का सी होगा। अब चलते हैं, ये जो आपका फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस वन बाई
एन प्लस वन प्लस का सी होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे बनाते थे, जो ऊपर में पावर रहता था वो बाहर आ जाता था, एक पावर इसमें कम हो जाता था, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन अगर दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आएगा एक पावर इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है कि एक्स के पावर एन, एन जो हुआ है वो आपका पावर है और जो एक्स है वो एक्स रहेगा, तो एक्स के पावर एन प्लस वन यानी कि टू प्लस वन बाई टू प्लस का वन प्लस का सी, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा एक्स के पावर क्यू बाई थ्री प्लस का सी, ये आपका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग इन्वर्स फार्मूला में। इन्वर्स फार्मूला में इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस का सी। इंटीग्रेशन ऑफ इसमें देखेंगे माइनस लगाया हुआ रहेगा और सेम रहेगा, ये दोनों जो है दोनों मैच करता है, लेकिन इसमें क्या है अगर यहाँ माइनस लगाया हुआ हो तो यहाँ माइनस आपका नहीं मिलेगा, अगर यहाँ माइनस आप लगाते हैं तो इंटीग्रेशन वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा। सेम इसमें वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू तो टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी होगा। अगर यहाँ माइनस लगाते हैं तो सेम वही है, ये दोनों भी परस्पर सेम कंडीशन में फॉलो करता है। इसके बाद ये वाला देखिए कि जो एक्स स्क्वायर होता था इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन बाहर ले आते हैं और डी एक्स इंटीग्रेशन करते हैं तो सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी होगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस लगाते हैं हम लोग और फिर इधर माइनस नहीं लगाते हैं तो आपका सेम कंडीशन आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।